हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और आजकल जमाना है वन प्लस टी का, डंकिन डोनट्स का, ट्रेसेमे का और डोरिटोस का। ग्लोबलाइजेशन की मारामारी और इंडस्ट्रीज के एक्सपेंशन के कारण आज हमें खाने पीने और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के मामले में ऐसी चीजों का एक्सपोजर मिल रहा है जिनके हमारे दादा परदादाओं ने तो नाम तक नहीं सुने होंगे। हम सोचते हैं कि हम कितने एडवांस्ड है और हमें कितनी ऐसी फैसिलिटीज, कितनी ऐसी चीजें मार्केट में मिलती है जो हमारे पूर्वजों को नहीं मिली और जिन्होंने हमारी जिंदगी को कितना ज्यादा अच्छा और आसान बना दिया। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी धारणा आज के बहुत ही मॉडर्न आम चीजों के लिए बदलने वाली है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही रोमांचक और इन्फॉर्मेशन से सैचुरेटेड है जो आपको बिल्कुल चौकन्ना कर देगा और इसमें से कुछ बातें आपको शायद घिनौनी भी लगे, बट हौसला बनाए रखिए फ्रेंड्स, ये भलाई के लिए ही है। अब तक हमें लगता था कि मैगी में लेड होना ही हमारी सबसे बड़ी दिक्कत थी, लेकिन आज की वीडियो में आपको मार्केट में मिलने वाली कई बहुत ही नॉर्मल चीजों के इंग्रेडिएंट्स की ऐसी सच्चाई में बताऊंगा जिन्हें सुनने के बाद आप शायद ग्रोसरी स्टोर जाना ही बंद कर दें। ये चीजें ऐसी हैं जिनके बिना हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी शायद इमेजिन भी न कर पाए। लेकिन ये चीजें कैसे बनती है और इनमें क्या डाला जाता है, ये जानने के बाद आप इन चीजों को खरीदने से पहले शायद 100 बार सोचेंगे। नंबर 7, सिगरेट्स। हर मूवी के पहले धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है का एडवर्टाइजमेंट एक रीजन से दिखाया जाता है, उसी रीजन से जिस रीजन से सिगरेट्स के पैकेट पे भी स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ दिखाया जाता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सिगरेट में पाए जाने वाले तंबाकू के कारण होता है। सिगरेट्स में तंबाकू के अलावा भी 600 इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो तंबाकू से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इनमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स है एसीटोन जो कि नेल पॉलिश रिमूवर्स बनाने के लिए यूज होता है, आर्सेनिक जो कि रैट पॉइजन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ब्यूटेन जिससे लाइटर का लिक्विड बनाया जाता है, टार जो रोड्स पे लगाया जाता है, कैडमियम जो बैटरी एसिड जैसे इस्तेमाल किया जाता है, और साइनाइड जिसे इंसानी जहरों में यूज किया जाता है। क्या अब भी आपको वो एडवर्टाइजमेंट्स एक मजाक लग रहे हैं? नंबर 6, परफ्यूम। 21st सेंचुरी के लोगों को जिंदगी के हर मोड पे दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, एक है पैसा और दूसरा है परफ्यूम। कबर्ड में परफ्यूम की कम से कम 2 बॉटल ना हो तो उसे पाप माना जाता है, और परफ्यूम इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे फ्लरिशिंग इंडस्ट्रीज में से है। और सस्ता या महंगा, परफ्यूम की इम्पोर्टेंस हमारी जिंदगी में उतनी ही है जितनी हवा, पानी और खाने की। लेकिन दुनिया के सबसे महंगे परफ्यूम्स ही शायद दुनिया के सबसे डिस्गस्टिंग इंग्रेडिएंट से बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे वो मस्क की खुशबू जो आपकी गर्लफ्रेंड को सबसे ज्यादा पसंद आती है, वो असल में मस्क डियर के एनस से निकले सेक्रेशन से बनता है, और वो वेनिला एसेंस जो आपके परफ्यूम को कई हजार रुपया महंगा बना देता है, असल में एक बीवर के एनस के पास एक ग्लैंड से सेक्रेट होता है। और वियर्ड सी बात तो ये है कि ये सब सूंघने में इतने सुगंधित होते हैं। नंबर 5, चिकन नगेट्स। मैकडोनल्ड्स जाए और नॉन वेजिटेरियन चिकन नगेट्स का ऑर्डर ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? वेल, इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको चिकन नगेट्स उतने स्वादिष्ट ना लगे। चिकन नगेट्स जिस बॉक्स में आते हैं उसमें लिखा होता है कि ये 100% चिकन के बने होते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। सबसे पहली बात, इन नगेट्स में यूज होने वाला चिकन उन मुर्गियों से आता है जिन्हें हॉर्मोन्स और एंटीबायोटिक्स इंजेक्ट करके बड़ा किया जाता है। दूसरी बात, इन नगेट्स में 100 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ तो ऐसे जो कि शरीर के अंदर जाने ही नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे डाइमिथाइल पॉलीसिलोक्सोन नाम का एक केमिकल जो कि ब्रेस्ट इम्प्लांट्स और एमसील में पाया जाता है। अब क्या आप ब्रेस्ट इम्प्लांट्स और एमसील अपने खाने में पसंद करोगे? ऑब्वियसली नॉट, राइट? नंबर 4, पोटैटो चिप्स। बारिश के मौसम में हमें चाहिए बस एक कप चाय और कुरकुरे क्रिस्पी पोटैटो चिप्स। लाइफ सॉर्टेड है ना? न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स पोटैटो चिप्स को अनहेल्दी बोलते हैं क्योंकि ये फ्राइड होते हैं और इनमें प्रेजेंट तेल और ट्रांस फैट्स आपको मोटा बना सकता है। लेकिन पोटैटो चिप्स सिर्फ इसी कारण से अनहेल्दी नहीं है। पोटैटो चिप्स में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो कि ना सिर्फ आपके लिए हानिकारक होते हैं बल्कि आपके शरीर में इन्हें होना ही नहीं चाहिए। पोटैटो चिप्स के ऑलमोस्ट हर ब्रांड में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है जिसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइट। अब ये कोई फूड प्रिजर्वेटिव नहीं होता बल्कि ये इंग्रेडिएंट जनरली एंटी फंगल प्रोडक्ट्स और फेस वॉश या फेशियल क्रीम्स में पाया जाता है। सोडियम बाइसल्फाइट चिप्स के कलर को बरकरार रखने के और उसे फंगस से बचाने के काम आता है, और ये इतना हार्मफुल इंग्रेडिएंट होने के बाद भी अगर आपको लेज उतने ही पसंद आएंगे तो आई सल्यूट यू। नंबर 3, इंस्टेंट मैक एंड चीज। मैकरोनी और चीज दोनों अलग अलग ही हमें इतनी अच्छी लगती है, और अगर इन दोनों अच्छी चीजों को एक साथ में मिला दिया जाए तो वो तो रब ने बना दी जोड़ी जैसी हो जाएगी, राइट? लेकिन अब अगर आप घर पे मैक एंड चीज बना रहे हैं तो शायद ये रब ने बना दी जोड़ी आपके लिए इतनी बुरी नहीं होगी।
लेकिन वही अगर आप मार्केट से रेडीमेड मैक एंड चीज लाते हैं तो यहाँ पर बाजी पलट सकती है मेरे दोस्त। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके फेवरेट इंस्टेंट मैक एंड चीज में थलेट्स पाए जाते हैं तो शायद आपको उतना अटपटा ना लगे, बट अगर मैं आपको बताऊँ कि ये थलेट परफ्यूम्स की स्मेल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज किए होते हैं तो क्या आप तब भी उतने ही स्वाद लेके अपना पास्ता खाएंगे? और अगर मैं आपको बताऊँ कि इनमें से यूज की गई फूड कलरिंग टार से बनाई जाती है तो अब भी क्या आपको ये बहुत हेल्दी लगेगा? नंबर टू, प्रोसेस्ड ब्रेड। अगर ब्रेड फैक्ट्री में बनाई गई है तो व्हाइट हो या होल व्हीट आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि सबसे ऑर्गेनिक 100% होल व्हीट टाइप की ब्रेड में भी ऐसी चीजें होती है जिनके बारे में सुनने के बाद आपको अपना फेवरेट ब्रेड जैम भी खिलौना लगने लगेगा। ब्रेड को सॉफ्ट बनाने के लिए एक तरह का डव कंडीशनर यूज किया जाता है जो कि चाइना के सैलून्स में जमीन पे गिरे बालों से और बदकों के फेदर से बनाई जाती है। और अगर आपकी ब्रेड एक फैक्ट्री में बनी हो तो 99 out of 100 टाइम्स आपकी ब्रेड में ये इंग्रेडिएंट जरूर होगा। विच ब्रिंग्स मी टू द लास्ट डिस्गस्टिंग थिंग, नंबर वन, जेली जैम एंड गमी बेयर कैंडी। हमारी बचपन की यादें जेली वाले कैंडीज और मिक्स्ड फ्रूट जैम से भरी हुई है, लेकिन यही बचपन की यादें इनमें पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट से मैं अब ऐसे कलंकित करने वाला हूँ कि शायद आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। आपकी कैंडी और जैम को वैसे कंसिस्टेंसी देने के लिए उसमें जेलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है। और क्या आप जानते हो ये जेलेटिन कैसे बनता है? वेल, जेलेटिन बनाने के लिए जानवरों की स्किन, कार्टिलेज और हड्डियों को पानी में घंटों तक बॉइल किया जाता है, जिसके बाद पानी में क्लियर सब्सटेंस निकलता है और यही क्लियर सब्सटेंस आपका जेलेटिन होता है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आपकी फेवरेट जैम की पिंक फूड कलरिंग स्ट्रॉबेरी से नहीं आती बल्कि कारमाइन नाम के एक केमिकल से आती है जो कि कोचेनाइड नाम के एक लाल रंग के बीटल को क्रश करके मिलता है। और जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आपको इतना पसंद है वो पता है कैसे बनता है? एक बीवर के एनस के पास एक ग्लैंड से निकलने वाले सेक्रीशन से, वही सेक्रीशन जिससे वेनिला सिरप और वेनिला एसेंस भी बनाया जाता है। क्या आपको अब भी वो यमी जैम और जेली पसंद है? मार्केट्स और ग्रोसरी स्टोर्स में शेल्व्स पे चीजों की वैरायटी देख के हम ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ने हमें और हमारे शरीर को इन चीजों का सेवन करने के लिए और इनका इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाया। हमारे पूर्वज भी तो इन्हीं चीजों का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन तब भी वो जिंदगी तो जी ही रहे थे। ग्लोबलाइजेशन की इस दौड़ में हम इतने खो चुके हैं कि हमारी 100% ऑर्गेनिक चीजें भी अब फैक्ट्रीज में बनाई जाती है और प्रकृति द्वारा दिए गए खजानों को हम कहीं बहुत पीछे छोड़ आए हैं मुनाफे कमाने की इस दौड़ में। जागो ग्राहक जागो और अपनी आंखें खोलो, सेहत बनाओ और सेहत बचाओ, अपनी भी और अपने आगे जेनरेशंस की भी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दबाइए नीचे नोटिफिकेशन बेल आगे के कोई भी और इंटरेस्टिंग वीडियोस नहीं मिस करने के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।